हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फोरेंसिक मेडिसिन। तो फोरेंसिक मेडिसिन समझेंगे, मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस समझेंगे, इन्हें दोनों ही टर्मिनोलॉजीज आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, आप सभी को मैं ये रिमाइंड कराना चाहूँगी कि दिस इज आवर एप्स लोगो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक यू कैन डाउनलोड अवर ऑफिशियल ऐप, एंड हमारे ऑफिशियल ऐप में आपको FMT की क्लासेस मिलेंगी। ये FMT की क्लासेस आपका सारा फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी कंप्लीट करेगी विद वीडियो लेक्चर्स, विद PDF स्टडी मटेरियल एंड सैम्पल पेपर्स। तो वो सारे बच्चे जिन्होंने अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से या किसी भी रीजन से अपनी क्लासेस कंप्लीट नहीं करी हैं कॉलेज में एंड उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सो ये जो कोर्स है आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एंड आपकी एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर मार्क्स स्कोर करने में आप सभी की हेल्प करेगा। क्योंकि हम वीडियो लेक्चर में सारा कोर्स, सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, PDF स्टडी मटेरियल बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज वे में आपको मिलेगी, एंड सैम्पल पेपर से हम वो सारे एरियाज कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। ओके, सो दिस इज अवर कोर्स विच इज अवेलेबल इन अवर ऑफिशियल ऐप, एंड ये रिक्वेस्टेड कोर्स है। सो बहुत सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक ऐसा सेपरेट कोर्स होना चाहिए जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी कंप्लीट करें। सो जितने भी बच्चे हैं जो FMT अपने करिकुलम में पढ़ते हैं, अपने कोर्स में पढ़ते हैं, वो अपना सारा FMT एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही प्लेस पे कवर कर सके एंड कंप्लीट कर सके। सो हियर वी आर विद दिस स्पेसिफिक कोर्स ऑफ FMT विच इज अवेलेबल इन अवर ऑफिशियल ऐप। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि मैंने बोला, जो FMT है फोरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के साथ है, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक मेडिसिन से शुरू कर रहे हैं। फोरेंसिक मेडिसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मेडिकल फील्ड में, एंड मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, एंड दोनों ही जो फील्ड है वो है रिलेटेड लॉ से। ठीक है, ये दोनों ही लॉ से रिलेटेड है, इस वजह से ही हमें सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज का पता होना चाहिए। सो जैसे ही हम ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि सिमिलैरिटीज क्या है एंड डिससिमिलैरिटीज क्या है। ओके, सो ये दोनों ही डिफरेंट एरियाज हैं बट बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। पहला टर्म है फोरेंसिक मेडिसिन का, दूसरा टर्म है मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस का। दोनों, जैसे कि मैंने बताया, दोनों ही लॉ से रिलेटेड है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि फोरेंसिक मेडिसिन लॉ से कैसे रिलेटेड है एंड मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस कैसे रिलेटेड है। सो जब हम फोरेंसिक मेडिसिन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म है फोरेंसिक, जो कि आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो लॉ के मैटर के साथ या लीगल के साथ, एंड जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपकी मेडिसिन। सो यहाँ पे जब आप मेडिसिन की नॉलेज लीगल परस्पेक्टिव में यूज़ करेंगे या फिर जो मेडिकल की नॉलेज है आप कोई भी क्राइम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे तो वो फोरेंसिक मेडिसिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी फोरेंसिक मेडिसिन। सो फोरेंसिक जो टर्म है, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट होता है, जिसका जो लैटिन वर्ड है वो है फोरेंसिस। सो फोरेंसिस लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है फोरम या फिर एन ओपन कोर्ट। ठीक है, इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज। जो कि मैंने बोला, जो फोरेंसिक मेडिसिन है ये डील करता है मेडिकल नॉलेज एंड पैरामेडिकल नॉलेज की। जब आप मेडिकल नॉलेज एंड पैरामेडिकल नॉलेज का यूज़ करते हैं कोई भी क्राइम केस सॉल्व करने में या फिर कोई भी क्राइम केस की इंफॉर्मेशन गैदर करने में, तो वो फोरेंसिक मेडिसिन कहलाती है। ओके, इट एम्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो आप ये कह सकते हो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप वर्क कर रहे हो, आप ये कह सकते हो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप वर्क कर रहे हो। तो जब कभी भी हम मेडिकल नॉलेज और पैरामेडिकल नॉलेज लॉ एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो फोरेंसिक मेडिसिन कहलाती है या लीगल मेडिसिन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी अबैंडन प्लेस में लेट्स से कोई डेड बॉडी मिली है। ओके, एंड वो ऐसा देख के लग रहा है, जब कभी भी आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जब आप सुनते हैं न्यूज़ में देखते हैं तो आप ये सुनते होंगे कि हो सकता है कि जो डेड बॉडी है वो 7 days पुरानी है या फिर इट इज़ 8 days ओल्डर और 2 days और 3 days और 24 hours हो गए, 48 hours हो गए। सो ये हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेडिकल नॉलेज। एंड यहाँ ही आप अपनी मेडिकल नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं फोरेंसिक मेडिसिन में, कि आप बॉडी की सिचुएशन देख के, इंटरनल ऑर्गन्स की सिचुएशन देख के, लेट्स से कोई वुंड है तो वो देख के आप ये बता रहे हैं कि रियल कॉज क्या है डेथ का। फोरेंसिक मेडिसिन यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम ये जान सकते हैं कि व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ द डेथ। ठीक है, कोई भी सस्पेक्टेड डेथ है या कोई भी अननेचुरल डेथ है तो हमें ये जानना हमेशा जरूरी होता है कि डेथ का रियल रीजन क्या है, एंड फोरेंसिक मेडिसिन यहाँ पे हमारी हेल्प करता है।
ठीक है। सो ये किस तरीके से लॉ की हेल्प कर रहा है क्रिमिनल केस या कोई भी क्राइम केस सॉल्व करने में, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय द लीगल अथॉरिटीज। कौन यूज कर रहा है? लीगल अथॉरिटीज यूज कर रही है फॉर द सोल्यूशन ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स। सो लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब आप लीगल सोल्यूशन देखते हैं फोरेंसिक मेडिसिन से, तो वो आती है फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर, ठीक है। अब हियर वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स। तो कैसे एग्जाम्पल्स है, अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आप, अगर आप इंजरीज देख के डिसाइड कर रहे हो कि वॉट इज द कॉज ऑफ डेथ एंड जो भी इंजरी है वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट, सेक्शुअल ऑफेंसेस, पॉइजनिंग, एवरी थिंग विल कम अंडर फोरेंसिक मेडिसिन। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो इट डील्स विद द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। जो लॉ का मेडिकल साइड है इट डील्स विद दैट। फॉरेंसिक मेडिसिन है इट हैंडल्स लीगल साइड ऑफ मेडिसिन। क्लियर? फाइन। मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है? सो मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस है, सो जो मेडिकल फॉरेंसिक मेडिसिन है, इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो टाइम सिंस डेथ क्या है, कितने टाइम पहले डेथ हुई है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट डेथ, व्हाट इज द रियल कॉज बिहाइंड दैट डेथ, ठीक है। सो ये सारी चीजें फॉरेंसिक मेडिसिन में डिसाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी हाईवे पे हूँ, ठीक है, बहुत तेज धूप है, आई एम ऑन अ हाईवे एंड मैं फेंट हो जाती हूँ, मुझे चक्कर आ जाता है बिकॉज माय हार्ट इज नॉट हेल्दी, ठीक है, आई गॉट अ हार्ट अटैक और मैं वहाँ पे गिर जाती हूँ रोड में एंड कोई स्पीडी व्हीकल मेरे ऊपर से चला जाता है, ठीक है। सो ये सिचुएशन है दैट आई गॉट अ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की वजह से मैं रोड पे गिर जाती हूँ एंड देन एक बहुत ही स्पीडी व्हीकल मेरे ऊपर से चले जाती है, तो एक्सीडेंट का केस बनता है। सो अगर कोई भी पर्सन देखेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट दैट पर्सन इज डेड, राइट। बट जब हम फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं, लाइक मेडिकल एनालिसिस करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक और लेट्स से हार्ट फेलियर, राइट। सो ये जो रियल कॉज ऑफ डेथ है वो आप फॉरेंसिक मेडिसिन के थ्रू ही बता लगाते हैं। एंड नाउ व्हाट इज मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस? सो मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, व्हाट इज ज्यूरिस? सो ज्यूरिस इज अगेन रिलेटेड विद, ओके, सो ज्यूरिस इज अगेन रिलेटेड विद लॉ एंड प्रूडेंशिया इज नॉलेज। सो जब नॉलेज रखते हो आप लॉ की इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो वो कहलाती है मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। It deals with the legal responsibility of a physician with a particular reference to those arising from the physician-patient relationship. ये legal matter है, of course. For example, if I am a doctor, ठीक है, मेरी कुछ legal responsibilities है मेरे patient के towards. So वो जो legal responsibility है एक patient और एक physician की, वो आती है medical jurisprudence में, ठीक है। सारे इथिकल नॉर्म्स मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में आ जाएंगे, जितने भी लीगल नॉर्म्स है बीइंग अ फिजिशियन वो आ जाते हैं मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में। क्लियर? सच एज मेडिकल नेग्लिजेंस, ओके, मेडिकल नेग्लिजेंस मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में आएगा। केसेस रिलेटेड टू दैट, कंसेंट, अगर मैंने किसी भी पर्सन का बिना कंसेंट लेट्स से ऑपरेशन कर दिया, सो वो मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में आ जाएगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर्स, सो मुझे क्या, बीइंग अ डॉक्टर मुझे कैसी ड्यूटीज मिलती है, व्हाट आर माय राइट्स एंड व्हाट आर पेशेंट्स राइट्स, लीगली क्या क्या राइट है, ये हम मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के थ्रू जानते हैं, ठीक है। सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और मेडिकल इथिक्स, अगर मैं कोई मिसकंडक्ट करती हूँ, पर मैं मेडिकल मिसकंडक्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैंने किडनी का ऑपरेशन कर दिया, सो इट वुड बी अ सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो कि मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में कवर होगा, राइट, मेरे अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। बट फॉरेंसिक मेडिसिन में मैं क्या हेल्प कर रही हूँ, मैं हेल्प कर रही हूँ लीगल बॉडीज की, मैं हेल्प कर रही हूँ फॉरेंसिक टीम की, मैं हेल्प कर रही हूँ पुलिस की, ये डिटेक्ट करके बताने में कि जो रियल कॉज है डेथ का वो क्या है, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इंजरी, जो इंजरी है लेट्स से वो किस टाइप ऑफ वेपन से की गई है, लेट्स से नाइफ से है और एक्स से है और ये सारी चीजें, सो वो आती है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड दिस इज मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। सो वी कैन से इन शॉर्ट दैट मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। सो इफ आई वांट टू प्रैक्टिस मेडिसिन, सो उसके लिए जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी लीगली बाउंड होकर मुझे काम करना है, दैट कम्स अंडर मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड फॉरेंसिक मेडिसिन इज अगेन आई एम वर्किंग विद द लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टीम to solve a crime and to administer law. I think these two terminologies are clear here. ठीक है, अब importance क्या है? What is the importance of this subject? So forensic medicine deals almost entirely with the crime against human beings. Crime against human beings in
which medical examination and evidence are required. So humans के against crime हो रहा है and उस crime में जब आप medical examination करते हैं and medical evidences collect करते हैं that comes under forensic medicine. तो ये एक तो पहली important चीज़ हो गई. दूसरी important चीज़ क्या है, its aim is to find out the truth. Truth find out करना है मतलब what is the real cause of death, what is the real cause behind that injury. हो सकता है कि gunshot wound हो, ठीक है, हो सकता है कि नाइफ से बुंड हो सकता है कि बुंड की वजह से डेथ नहीं हो, कोई और रीज़न हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है. सो इट इज़ हियर टू टेल अस द रियल ट्रुथ बिहाइंड दैट पर्टिकुलर डेथ और वट एवर द पोजिशन इज. सो द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी इज जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर सिविल एंड क्रिमिनल एरियाज. सो क्रिमिनल एरियाज क्या है, जब कभी भी केसेस होते हैं लाइक मर्डर, किडनैपिंग, डकैती एंड ऑल दैट, उसमें अगर मेडिकल इन्फॉर्मेशन या फिर मेडिकल नॉलेज हम यूज़ करते हैं. सिविल केसेस क्या हो गए, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस. सो डोमेस्टिक वायलेंस आपका सिविल केस हो जाता है या सिविल एरिया हो गया, क्रिमिनल एरिया क्रिमिनल एक्टिविटीज में. ओके, ऑल मेडिकल वर्क इज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर, स्पेशली द मेडिको लीगल वर्क सच एज इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ ल्यूनेसी. इल हेल्थ, जब कभी भी हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि कोई पर्सन ल्यूनाटिक है, इफ नॉट दैट पर्सन इज not mentally stable or mentally sound. So उसका भी जो certificate है medical practitioner देता है, आप यहाँ पे काम करते हैं. अगर कोई person ill health में तो भी उसका certificate आप देते हैं. So here it is all important. All in all cases of crime involving person. Crime involving person means homicidal. Homicidal means murder simply. Suicidal if someone tries to kill himself or herself. Assault मतलब जब the person is forcing her or his self on you or someone else. ठीक है, unnatural offences, traffic accident, poisoning, everything comes under this. So कैसे भी crimes which is against the person or against the individual comes under this. Okay, and again forensic medicine helps the medical practitioner. Okay, so जो law है, law वाला portion है, जो medical practitioner वो किसकी help कर रहा है, police की help कर रहा है. ठीक है, in all cases in which doctor will be required to appear as a expert witness. ठीक है, अगर आपने कोई particular case handle किया है and अगर आपने court का अगर notice आया, let's say summon आया है आपको, so being a expert witness आप जाएंगे court में गवाही देने. तो वो कैसे होगा, so आपने कोई particular case solve किया है, जितनी भी medical terminology से judge and जो lawyers हैं वो नहीं समझ पाते, तो उन्हें समझने के लिए हम experts को बुलाते हैं. so being a medical practitioner आप medical expert होंगे, आप expert witness होंगे. तो being expert witness आप law की help करेंगे या फिर आप कह सकते हो law administration की मदद करेंगे, आप as expert witness court में present होंगे एंड अपना input वहाँ पे देंगे. in some cases in which the doctor is the chief source of evidence upon which the legal decision are made. Sometimes what happens ki agar maine koi case solve kiya hai and koi bhi other evidences nahi hai, I am the only evidence. So in case of sudden death or in case of sudden death or in case of any other situation, so being a evidence ek medical practitioner hi present hota hai. theek hai, the authorities will depend mostly or completely on medical evidence in establishing cause of death. तो कॉज ऑफ डेथ एस्टैब्लिश करने के लिए अथॉरिटीज जो हैं वो कम्प्लीटली मेडिकल पर्सन पे एंड मेडिकल एविडेंस पे डिपेंडेंट होती है. सो इट इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क बींग अ फिजिशियन और बींग वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन. सो आई होप दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर ऑल क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट पुट योर doubts on the comment or you can contact us through WhatsApp. जो WhatsApp support number है वो भी आपको description में मिल जाएगा. So do not forget to join us on Instagram and Telegram. अगर अभी तक आपने हमारा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो आपने हमारा YouTube channel भी subscribe कर देना है. In the next video, till then take care. Have a great day ahead.